हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद पूनम। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हीटलेस कर्ल किए हैं और ये मैंने इंस्टा पे ये मेथड देखा था और मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ और इसका रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मुझे ये कर्ल्स खोले हुए एटलीस्ट मैंने 6 o'clock इनको मॉर्निंग में खोला था और अभी 8:15 हो गए हैं और इनका रिजल्ट्स कुछ ऐसा है। ये देखिए, थोड़े थोड़े खुलने के बाद भी मेरे बालों का की वजह से मेरा लुक टोटली चेंज हो गया है। और मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है आपको मैं अभी बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कर्ल्स, मेरे हिसाब से कर्ल्स बहुत अच्छे हुए हैं और इससे मेरा लुक चेंज हो गया है। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी फेयरवेल है या घर में कोई फंक्शन है या न्यूली वेड हैं और आप अपना लुक चेंज करना चाहते हैं और कहीं आपको डिनर पे जाना है या बाहर जाना है या आपको डेट पे जाना है, तो आप इस तरह से अपने हीटलेस कर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैंने किस तरह से अपना ये लुक क्रिएट किया है। ये देखिए कितने अच्छे कर्ल हुए हैं। मैं आपको हल्के गीले बालों को सबसे पहले कॉम करने के बाद अच्छे से इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड करना है और 2 फिंगर को इस तरह से बालों में लेना है और ट्विस्ट कर लेना है और अपने बालों को इस तरह से ऊपर की साइड आपको ट्विस्ट करते हुए लपेटना है। ये देखिए, जितनी फिनिशिंग के साथ आप इनको ट्विस्ट करते हुए यहाँ पे लपेटेंगे, रोल करेंगे, उतने ही फिनिश वाले आपके नेक्स्ट डे कर्ल होंगे। ये मैं नाइट में कर रही हूँ और ये इतना इजी मेथड है। और ये देखिए, आप ट्राई करोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे कि ये तो बहुत ही इजी है, कोई टूल इसमें यूज़ नहीं होता। इस तरह से बालों को लेके नीचे कर देना है और हमारे बाल लॉक हो जाएंगे। इट मीन्स आपके कर्ल अब बिल्कुल लॉक हो चुके हैं और आप सो भी जाओगे तब भी ये खुलेंगे नहीं। यहाँ अगेन एक सेक्शन और लिया है, मेरे बाल इतने लॉन्ग हैं तो जिनके लॉन्ग बाल हैं, बाल लंबे हैं और वो करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज लॉन्ग बालों के ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं बन पाते इतने ईजीली। और विद इन 15 मिनट्स आपके सारे इस तरह से कवर हो जाते हैं बाल। देखिए कैसे ट्विस्ट कर रही हूँ मैं, और बस आपको इस तरह से बालों को लपेटना है। अगर आपके बाल ड्राई भी हैं और आप इनको गीला करना भूल गई हैं तो आप किसी स्प्रे बॉटल से बालों को स्प्रे कर सकती हैं या फिर हल्के गीले सेमी वेट हेयर होते हैं उनसे भी आप ऐसे कर्ल कर सकती हैं। ये बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से बालों को निकाल के लास्ट के बाल आपको इस तरह से छोड़ देने हैं, जिससे जब हम इनको खींच के खोलें मॉर्निंग में तो इजीली खुल जाएं और इनमें नॉट ना लगे। इसी तरह से मैं सेक्शंस लेती जाऊंगी और स्लोली पूरे बाल में इसी तरह से कवर करती जाऊंगी। इनका फ़ायदा ये हुआ मुझे, जब मैं सोई तो मुझे बिल्कुल भी बाल नहीं चुभे और मैं इजीली अपने आराम से सो पाई। अगर हम कर्लर से बालों को करते हैं तो हम इजीली सो नहीं पाते। ये देखिए अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे बालों के जो टेक्सचर है वो स्ट्रेट है, मेरे बाल मोस्टली स्ट्रेट रहते हैं और इनको कर्ल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेरे बाल कर्ल हो गए हैं इट मीन्स आपके भी हो जाएंगे। इतने लॉन्ग एंड स्ट्रेट हेयर को कर्ल करना बहुत ही टफ काम है, जितना आप कम लास्ट में छोड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए किस तरह से मैं बालों को लॉक कर रही हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है लास्ट में आपको नीचे इस तरह से ज़रूर छोड़ना है। मैं बालों का हीटलेस कर्ल करने का एक मेथड ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा है तब आप उस मेथड को यूज़ करके अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है
और आपको उसी टाइम जाना है और आपके पास कर्लर नहीं है तो आप इस तरह से करके ड्राई कर सकते हैं। आप नेचुरल ड्राई भी कर सकते हैं सन में या फैन के नीचे भी, तब भी आपके बाल कर्ल हो जाएंगे। और मैं अपने रिजल्ट से इतनी ज़्यादा खुश हूँ, जब मैंने मॉर्निंग में ये अपने कर्ल जब ओपन किए, इनको खोला, तब मैं बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट से बहुत खुश हुई। और ऐसे ही सारे बाल मैं पूरे अपने पूरे हेयर को कवर कर दूँगी। यहाँ मैंने छोटे छोटे आगे वाले बालों के सेक्शन छोटे छोटे लिए हैं, ये देखिए पीछे के इतने बाल रह गए हैं। पीछे के मैंने थोड़े थिक सेक्शंस लिए हैं, आपने देख ही लिया है। और इतने अगर आप फेस्टिवल पे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका लुक टोटली चेंज हो जाएगा। और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाती हूँ। ये देखिए इनका रिज़ल्ट हम देखेंगे मॉर्निंग में इनको ओपन कैसे करना है। एक मेरे कल तो रात को ऑलरेडी ओपन हो गए थे और बस इनको यहाँ से इस पॉइंट को आपको बस खींचना है और आपके कर्ल अपने आप खुल जाएंगे। ये देखिए बस आपके अगर थोड़े से बाल उलझ भी गए हैं तो आप उनको सेट कर लीजिए फिंगर्स से। देखिए आपको कौन सा पार्ट खींचना है, ये वाला पार्ट इस तरह से खींचेंगे आप और ये देखिए इजीली अपने आप खुल जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे कर्ल हुए हैं, जैसे हमने हीट वाले कर्ल किए हों। वन बाय वन आप खोल के फिंगर से आपको इनको सेट करना है, कॉम से आपको इनको नहीं खोलना है, अदरवाइज आपके ये कर्ल्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। स्लोली आप खोलिए और अपनी फिंगर्स से सेट कीजिए और फिर देखिए आपका लुक बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा। मुझे ये हर टूल से बेस्ट मेथड लगा, मैंने पहले भी जो मेथड शेयर किया था उससे भी मुझे ये बेस्ट लगा है, बिकॉज़ इससे आप जब लेटते हैं तो आपको बिल्कुल भी थिकनेस फील नहीं होती। हम कोई भी सॉक्स या कोई कपड़े से कर्ल करते हैं तब भी हमें कोई थोड़ी सी थिकनेस फील होती है, या फिर हम जो कर्लर होते हैं वो यूज़ करते हैं, फोम कर्लर भी यूज़ करते हैं तब भी हमें थिकनेस फील होती है, बट जब हम इस तरह से कर्ल करते हैं तो थिकनेस फील ना होने की वजह से हम इजीली सो सकते हैं। और ये देखिए ये है मेरे बालों का फाइनल लुक। अभी मैं इनको सेट कर लूँगी और अभी अभी मैंने इनको ओपन किया है, थोड़ी देर में ये थोड़े से लूज़ हो जाएंगे तो बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। फ्रेंड्स ये देखिए 2 घंटे बाद मेरे बाल इस तरह से हो गए थे, थोड़े से कर्ल खुल चुके हैं और ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है बालों का। और आप इनको वॉश्ड हेयर पे ही ट्राई करें तो बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए।